अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बर्ड रूम। आज की वीडियो में आपको अपने कॉकटेल्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी लाइक से सब्सक्राइब कर दिएगा। और अपने चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मेरा एक क्रीम कॉकटेल का पेयर है, इसने माशाल्लाह से चार चिक्स निकाले हैं पेयर ने। और ये माशाल्लाह इसकी फीडिंग बहुत अच्छी, दो चिक्स तो माशाल्लाह कवर्ड हो गए 50% और दो चिक्स अभी अनकवर्ड हैं, लेकिन इनको भी फीडिंग अच्छे से कराई हुई है। अब जो है दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा पेयर है, मेल इसका बाहर है और फीमेल इसके अंदर है। इसने भी माशाल्लाह से तीन चिक्स पाले हैं। इसमें मैंने दो इनों के चिक्स जो है फॉस्टर किए, एक चिक्स के अंदर अपना क्रीम का है इसका। और इसको भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से फीडिंग कराई हुई है, इनके कॉव्स भी माशाल्लाह फुली फुल हैं। अब हम चलते हैं अपने इनों के पेयर की तरफ, देखते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस है। माशाल्लाह हमारे इनों के पेयर में चार चिक्स हैं और इसमें तीन क्रीम कॉकटेल के और एक ग्रे कॉकटेल का चिक है, जो कि मैंने तीनों चिक्स चारों चिक्स फॉस्टर किए हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी फीडिंग करवा रहा है। डिफरेंट चिक्स को फॉस्टर करने की वजह यही, ताकि डिफरेंट एजेस के जो चिक्स हैं वो एक ही पॉट में आ जाए, ताकि इस तरीके से बच्चों की जो एजेस में डिफरेंस है वो कम हो जाए और ताकि इससे मॉर्टेलिटी भी कम हो। अब चलते हैं अपने दूसरे पेयर्स की तरफ। ये हमारा एक और कॉकटेल का पेयर है, इसकी चिक्स माशाल्लाह फुली कवर्ड भी हो गए और पॉट से भी बाहर आ गए। और तीसरा बच्चा जो है बार बार अंदर आना जाना कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी कॉकटेल के पेयर की तरफ, जिसने चिक्स निकाले हुए। माशाल्लाह से ये वाला पेयर है, इसके दो चिक्स हैं, एक पर्ल कॉकटेल का चिक है और एक चारकोल कॉकटेल का चिक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कॉकटेल्स के पेयर्स हैं जिनकी ब्रीड बहुत ख़राब हुई है और जिन्होंने अंडे भी अनफर्टाइल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।